बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फिज़िक्स ओ लेवल पेपर 2 का ये क्वेश्चन है, तो चलें से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें एग्जामिनर हमसे बोलते हैं, फिगर 2.1 शोज अ बॉय मूविंग अ वाटर कंटेनर इन अ व्हील बैरो। द कंटेनर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 0.15 मीटर क्यूब एंड इज फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर व्हेन द कंटेनर इज फुल। तो हमें यहाँ पर मास निकालने, डेंसिटी हमारे पास है, वॉल्यूम है हमारे पास, तो हम निकालते हैं मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास 1000, वॉल्यूम हमारे पास 0.15, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 150। मास आ गया हमारे पास 150 kg। वो बोले इट इज़ हार्डर टू स्टॉप द व्हील बैरो व्हेन द कंटेनर इज फुल देन व्हेन इट इज़ एम्प्टी। एक्सप्लेन दिस। इसका मकसद ये हुआ कि जब हमारे पास कोई भारी चीज़ होती है तो उसकी एक तो फोर्स होती है, उसको रोकने के लिए उसका एक ख़ुद का एक इनर्शिया भी होता है, और उस इनर्शिया को रोकने के लिए हमारे एक अच्छी रेजिस्टेंस चाहिए होती है। मतलब जैसे हमारे पास अगर एक ट्रक है, वो एक स्पीड पे चल रहा है, और जब उसको रोकना है तो एक तो ट्रक का ख़ुद का भी तो मास होगा ना जिसको वो रोकेगा, उसके लिए हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होगी ताकि हमें रोक सकें। उसके लिए हमारे पास अच्छे ब्रेक्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपना ग्रेटर मास हैज ग्रेटर इनर्शिया, सॉरी मैं गलत लिख दिया, इनर्शिया हैंस, एक मिनट रुकिए ज़रा, hence it requires more resistance. Thanks for watching.